आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश ने अपने लिए पंच प्राणों का विजन रखा है। इन पंच प्राणों में विकास के बड़े लक्ष्यों का संकल्प है, कर्तव्यों की प्रेरणा है, इसमें गुलामी की मानसिकता के त्याग का आह्वान है, अपनी विरासत पर गर्व का बोध है। आज भारत के आदर्श अपने हैं, आयाम अपने हैं, आज भारत के संकल्प अपने हैं, लक्ष्य अपने हैं, आज हमारे पथ अपने हैं, हमारे प्रतीक अपने हैं। और साथियों, आज अगर राजपथ का अस्तित्व समाप्त होकर कर्तव्य पथ बना है, आज अगर जॉर्ज पंचम की मूर्ति के निशान को हटाकर नेताजी की मूर्ति लगी है, तो ये गुलामी की मानसिकता के परित्याग का पहला उदाहरण नहीं है, ये न शुरुआत है न अंत है। ये मन और मानस की आजादी का लक्ष्य हासिल करने तक निरंतर चलने वाली संकल्प यात्रा है। देश के प्रधानमंत्री जहां रहते आए हैं, उस जगह का नाम रेसकोर्स रोड से बदलकर लोक कल्याण मार्ग हो चुका है। हमारे गणतंत्र दिवस समारोह में अब भारतीय वाद्य यंत्रों की भी गूंज सुनाई देती है। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में अब देशभक्ति से सरोबार गीतों को सुनकर हर भारतीय आनंद से भर जाता है। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने भी गुलामी के निशान को उतारकर छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतीक को धारण कर लिया है। नेशनल वॉर मेमोरियल बनाकर देश ने समस्त देशवासियों की बरसों पुरानी इच्छा को भी पूरा किया है। साथियों, ये बदलाव केवल प्रतीकों तक ही सीमित नहीं है, ये बदलाव देश की नीतियों का भी हिस्सा बन चुका है। आज देश अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे सैकड़ों कानूनों को बदल चुका है। भारतीय बजट जो इतने दशकों से ब्रिटिश संसद के समय का अनुसरण कर रहा था, उसका समय और तारीख भी बदल गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए अब विदेशी भाषा की मजबूरी से भी देश के युवाओं को आजाद किया जा रहा है। यानी आज देश का विचार और देश का व्यवहार दोनों गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो रहे हैं। ये मुक्ति हमें विकसित भारत के लक्ष्य तक लेकर के जाएगी। महाकवि भरतियार ने भारत की महानता को लेकर तमिल भाषा में बहुत ही सुंदर कविता लिखी थी। इस कविता का शीर्षक है पारु कुलई नल ना इंगल भारत नाड। महाकवि भरतियार की ये कविता हर भारतीय को गर्व से भर देने वाली है। उनकी कविता का अर्थ है हमारा देश भारत पूरे विश्व में सबसे महान है। ज्ञान में, अध्यात्म में, गरिमा में, अन्नदान में, संगीत में, शाश्वत कविताओं में हमारा देश भारत पूरे विश्व में सबसे महान है। वीरता में, सेनाओं के शौर्य में, करुणा में, दूसरों की सेवा में, जीवन के सत्य को खोजने में, वैज्ञानिक अनुसंधान में हमारा देश भारत पूरे विश्व में सबसे महान है। ये तमिल कवि भरतियार का, उनकी कविता का एक एक शब्द, एक एक भाव को अनुभव कीजिए।
साथियों, गुलामी के उस कालखंड में ये पूरे विश्व को भारत की हुंकार थी, ये हमारे स्वतंत्र सेनानियों का आह्वान था, जिस भारत का वर्णन भरतियार ने अपनी कविता में किया है। हमें उस सर्वश्रेष्ठ भारत का निर्माण करके ही रहना है और इसका रास्ता इस कर्तव्य पथ से ही जाता है। साथियों, कर्तव्य पथ केवल ईंट पत्थरों का रास्ता भर नहीं है, ये भारत के लोकतांत्रिक अतीत और सर्वकालिक आदर्शों का जीवंत मार्ग है। यहां जब देश के लोग आएंगे, वो नेताजी की प्रतिमा, नेशनल वॉर मेमोरियल, ये सब उन्हें कितनी बड़ी प्रेरणा देंगे, उन्हें कर्तव्य बोध से ओतप्रोत करेंगे। इसी स्थान पर देश की सरकार काम कर रही है। आप कल्पना करिए, देश ने जिन्हें जनता की सेवा का दायित्व सौंपा हो, उन्हें राजपथ जनता का सेवक होने का एहसास कैसे कराता? अगर पथ ही राजपथ हो तो यात्रा लोकमुखी कैसे होगी? राजपथ ब्रिटिश राज के लिए था, जिनके लिए भारत के लोग गुलाम थे। राजपथ की भावना भी गुलामी का प्रतीक थी, उसकी संरचना भी गुलामी का प्रतीक थी। आज इसका आर्किटेक्चर भी बदला है और उसकी आत्मा भी बदली है। अब देश के सांसद, मंत्री, अधिकारी जब इस पथ से गुजरेंगे तो उन्हें कर्तव्य पथ से देश के प्रति कर्तव्यों का बोध होगा। उसके लिए नई ऊर्जा मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। नेशनल वॉर मेमोरियल से लेकर कर्तव्य पथ से होते हुए राष्ट्रपति भवन का ये पूरा क्षेत्र उनमें नेशन फर्स्ट, राष्ट्र ही प्रथम, इस भावना का प्रवाह प्रतिपल संचारित होगा।